अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज माय हेयर विच इज बीइंग डन। मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली मैंने करा के आई हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 2 घंटा हुआ होगा मेरे बाल को पूरा कंप्लीट प्रोसेस करवा के, एंड दिस इज़ गुड, नॉट बैड। अभी देखते हैं कब तक चलता है, कब तक बेटर रहता है। एंड टिल दैट आई विल हैव सम चॉकलेट्स। और पूरा वीडियो आप लोग देखो कि हेयर कासल बेसिकली इसका 2 ब्रांच है, दैट इज़ 1 इन घाटकोपर और 1 जो है वो है डोंबिवली में है। घाटकोपर मैं गई पर्सनली बिकॉज वहाँ पे हार्दिक मालदे, मतलब जिसका शॉप है, जो सलून द ओनर है, मैं द रीज़न में वहाँ जाने का सिर्फ वो था कि उनके प्रेजेंस में आई डू एनीथिंग ना, तो मैं मुझे थोड़ा ट्रस्ट है। और इट्स लाइक मैं इंस्टाग्राम पे ही उनको देखती थी हमेशा, वीडियोस वगैरह एवरीथिंग। अब मैंने करवा लिया है, अब मैं कलर भी करवाऊंगी बहुत हिम्मत करके। ये भी बहुत हिम्मत करके ही करवाया है, तो बहुत हिम्मत करके जब मेरी हिम्मत हो जाएगी कलर की तब आई विल डू दैट, बट टिल दैट आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। ओके, तो यहाँ मैं निकल गई थी हेयर कासल के लिए घाटकोपर। सबसे पहले मैं एक दिन पहले गई, कंसल्ट वगैरह करवाया, फिर मैंने निकल गया 7 जुलाई को 2:30 बजे, कुछ 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। आई रीच थ्रू अ देयर और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अब मैं इतनी कंफ्यूज थी हेयर कासल पहुँचने के बाद। मैंने कंसल्टेशन तो एक दिन पहले करवा दिया था, आप हेयर कासल को देख लो, ये कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। एंड इट इज़ लाइक बाय हार्दिक मालदे, जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, और मुझे काफ़ी टाइम से ये था कि मैं यहीं से करवाऊंगी। मेरे बाल एक्चुअली इतनी फ्रीज आउट हो गए थे ना, मतलब आई वॉज हैप्पी विथ माई हेयर, नो प्रॉब्लम, बट बहुत फ्रीजी हो गए, मैनेजेबल नहीं थे। आप देख सकते हो मेरी बाल की हालत क्या हो गई थी, इट वॉज कर्ल 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 वेवी एंड कर्ल। ठीक है, अगर इसमें सॉफ्टनेस और ये ऐसा भी कर्ल हो ना तो चलेगा। तो सबसे पहले मैंने लीस ट्रीटमेंट चूज़ किया और उन लोग ने मेरे हेयर को अच्छे से वॉश किया, फिर उसके बाद उन लोग ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ट्रीटमेंट को ऑलमोस्ट 3 to 4 hours लगने वाले थे, एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि तब तक मैं क्या करूँगी, लाइक मैं बोर हो जाऊँगी। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को साथ ले गई थी, बट यहाँ पर जब दे स्टार्टिंग माई ट्रीटमेंट तो वो लोगों ने मुझे बैक मसाज, फुट मसाज, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी। और फिर दे वर आस्किंग फॉर वाटर, लाइक आपको कुछ चाहिए, फिर दे हैड अ कॉफ़ी फॉर मी, और ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। एवरी थिंग वॉज कॉम्प्लीमेंट्री, और लिटरली मैं बहुत लेट गई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी, तो दे कॉट मी अ सैंडविच, दैट वॉज अ ग्रिल सैंडविच। सब चीज़ें मतलब वहाँ अवेलेबल थी, और दे वर लाइक उनका हॉस्पिटैलिटी इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। वो थोड़े थोड़े टाइम में, हाफ एफ आवर्स में या 1 hour के गैप में, वो आस्किंग आप कुछ खाओगी, आपको मैं कुछ ले लूँ, चिप्स, चॉकलेट, दे आर हैविंग एवरी थिंग ओवर दैट। अच्छा, यहाँ पे मेरा हेयर पे जो क्रीम वगैरह लगा दिया था उस पर वो लोग ड्रायर यूज़ कर रहे थे, एंड आफ्टर दैट वो यूज़ करने वाले थे स्ट्रेटनिंग। अभी ये प्रोसेस पे स्ट्रेटनिंग यूज़ होने वाली थी। मैं इतनी कंफ्यूज थी ना, मैंने उनको कहा मुझे बाल स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बाल सॉफ्ट चाहिए। तो दे लाइक ये ट्रीटमेंट इज़ लाइक आपका हेयर जो है वो आप जैसे जैसे वॉश करते चाहूँगी यू विल गेट बैक टू योर हेयर ओनली, और आपको बस सॉफ्टनेस रहेगा, बाल आपके जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, एंड आई एम हैप्पी इन दैट केस कि ठीक है चलो जैसे थे वैसे हो जाएंगे तो आई एम हैप्पी। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए आप, ये मेरे बाल पूरा क्रीम जब लगा लिया था ना मैंने ऑलमोस्ट, तब उसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा था, ये था। उन्होंने कहा था एक दिन आपने सिर्फ टेक केयर करना है, वो भी टेक केयर सर नॉर्मल हिसाब से, आपने बस थोड़ा सा केयर कर लेना है टिल द टाइम, और उसके बाद वो लोग मेरे बाल को कल सेकेंड डे फर्स्ट वॉश करेंगे आफ्टर 24 hours। तो आई गेट बैक टू होम और मैंने कहा ठीक है आफ्टर 24 hours आई कम बैक टू यू, फिर मैं अपना बाल वॉश कर लूँगी। यहाँ मैंने कैब बुक किया, घर आ गई। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन मैं फिर गई फॉर हेयर वॉश, और मैं अपना एक्सपीरियंस हाथ लाइक हेयर कासल का शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया, एंड घाटकोपर का वॉज गुड। अच्छा, यहाँ पे मेरे बाल देखे आप कितने अजीब से थे, इतना क्योंकि उसमें क्रीम लगा हुआ था और वो आयरन हुआ हुआ था। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो अब ये शायद ऐसे ना रहे, कुछ तो इसमें जान आ ही जाएगी आफ्टर वॉश, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर वॉश इट वॉज गुड। आई हैव रीच्ड फाइनली टू दी, अच्छा ये है फर्स्ट फ्लोर पे, आप गुरु कृपा है ना दैट घाटकोपर में तिलक नगर के पास है, आप वॉकेबल भी आ सकते हो, वॉकेबल डिस्टेंस है मतलब 350 meters में ये स्टेशन से। घाटकोपर ईस्ट में आपको उतरना है और आपने आना है, वॉकिंग आ सकते हो, ऑटो से आ सकते हो, तिलक रोड पर है एंड इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू गुरु कृपा होटल। अच्छा, अब ये देखिए, ये रहे मेरा एक बाल,
कितने प्रीटी लग रहे हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर मैंने एक को कहा कि मेरी बाल का छोटा सा एक वीडियो ले लो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और Six minutes.